देखिए पहली बात तो कहानी जब आप कहते हैं तो कहानी दो तरह की होती है, एक जो कहानी उसकी समाज के भीतर है, जो स्थिति परिस्थिति, और दूसरी जो साहित्य की कहानी के भीतर कहानी है। दूसरा क्या है कि नई क्यों, क्योंकि पुरानी क्या खत्म हो गई? तो पुरानी तो अभी बनी हुई है, और वह ये है कि पुरानी बनी हुई है, पुरानी यातनाएं, पुरानी पीड़ा, पुरानी हिंसा, पुराने दुख सुख सब, और साथ में परिस्थितियां बदल गई और नई चीजें आ गई, यानी कि सरोगेसी आ गई जो पहले नहीं थी, तमाम और तरह के हिंसा आ गई, ऑफिस के तमाम सारे शोषण आ गए, अभी आपने मीटू वाला पूरा देखा ही, तो ये नई चीजें तमाम आ गई जहां हम देख रहे हैं कि तमाम नई तरह की जटिलताओं के बीच जो है स्त्री कह रही है, नए तरह से अपनी बातें कह रही है, और उससे भी आगे आगे जो विमर्श की बातें थी, मल्टी डायमेंशंस जो है वो उधर की तरफ गई है, सिर्फ एक नहीं बल्कि सारी दुनिया को देखने वाली जो बात है वो सारी दुनिया देखेंगे। किस किस रूप में कौशल आज नारी को प्रस्तुत किया जा रहा है? देखिए औरत को एक तरह से जो मतलब बाजार की तरफ जो एक तरह से ढकेला जाए, जो साहित्य की जो नारी है जो आज लिख रही है, जो नई जिस कहानी की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपनी बात इस तरीके से कहना शुरू किया है कि जहाँ वो एक तरफ चैलेंज करती है समाज को, उस ढांचे को जो मठा देश एक तरह से था साहित्य में, उसको जो उसने तोड़ के आगे बढ़ के एक सृजन, एक नया, एक जो 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 एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा समाज, जो समाज जो स्वीकार करता है लेकिन घर पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, सोकल हम उसको पति कह सकते हैं, उसको हम पिता कह सकते हैं। मैं इसमें ये भी कहना चाहती हूँ साथ में कि आज की जो नारी जो लिख रही है, जो लेखन में भी आ रहा है उसके, जो उसके काम में भी है, वो पति के रूप की बजाय वो पार्टनर चाहती है, एक 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 साथी चाहती है। वो साथी जब पति बन जाता है तो दिक्कत है, तब हम नई कहानी की बात करते हैं, जो लेखन में भी आज हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये लेयर्स को समझना, जो एक एक आचार्य परंपरा में जो एक लेखन आता है हमारे साहित्य परंपरा में, क्योंकि मैं संस्कृत के विद्यार्थी भी हूँ और संस्कृत की मैं एक तरह से शिक्षिका भी हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी हूँ मैं, जो हमारी जो परंपरागत जो हम जो लेखन देखते आते हैं साहित्य में, जिसके अपने मापदंड भी हैं, लेकिन आज की जो नारी है, खासकर उसने जो विमर्श, जो कई तरह के विमर्श जो शुरू किए हैं, आप इसको दलित विमर्श के रूप में देख सकते हैं, आप इसको आदिवासी विमर्श में देख सकते हैं, आप इसको ओबीसी साहित्य के विमर्श में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा लेयर्स है जिसको चुनौती देते हुए आज की नई कहानियां लिखी जा रही है। वो आज न सिर्फ एक एक खास उस गढ़ को चुनौती देती है, उस परंपरा को चुनौती देती है, जो साहित्य की कसौटियां थी, जो साहित्य की कसौटियां जो एक घड़ी गई थी, उन कसौटियों में आज का लेखन नहीं आ पा रहा, बल्कि वो एक अपनी अपनी बात करती है, अपने साथ भी बात करती है, जो एक उसका अपने पन के साथ जो एक छुटा हुआ था कहीं ना कहीं साहित्य में, आज की जो नई पीढ़ी है, जो आज की नई कहानियां हैं, वो अपने आप से भी बात करती है। इसलिए मैंने कहा कि साहित्य की जो नई जो कहानियां हैं वो न सिर्फ लेखिका साहित्य के मापदंडों के अनुसार लिखना चाहती है या उनका आलोचना करते हुए विश्लेषण करते हुए लिख रही है, बल्कि वो अपने आप से बात करते हुए लिख रही है। इसलिए चुनौतियां भी उसके सामने हैं, क्योंकि कई तरह के जिस तरीके से ये हमारे सामने आज आसपास घटता हुआ जो दिखाई देता है, वो यूनिवर्सिटीज में है, वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है, काम करने के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में भी उतना है, प्रकाशन के क्षेत्र में भी उतना ही आता है। ये बहुत एक तरह से स्तरीकरण एक तरह से है। इस स्तरीकरण को आज की नई लेखिका ने, आज की नई कहानी ने एक तरह से चुनौती दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको तोड़ना चाहती है, बल्कि एक नए सृजन का निर्माण, जो एक मानवीय आधार, जो जो स्त्री को न सिर्फ एक स्त्री के दृष्टिकोण से देखा जाए, बल्कि स्त्री के दृष्टिकोण से देखते हुए एक मानव के तरह भी देखा। डॉक्टर कौशल, दो मुद्दे यहाँ हुए आपने बहुत महत्वपूर्ण उठा दिए हैं। तो ये कि एक क्रांति हो रही है, जिस तरह से स्त्री अब अपना पार्टनर चाहती है, पति से कहीं ज्यादा साथी चाहती है, और दूसरा वो चुनौतियां जो स्त्री लेखक हैं उन लोगों के सामने, लेखिकाएं हैं उन लोगों के सामने यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन क्या आप ये मानती हैं वंदना जी कि आपकी प्राथमिकता में वो जो महिलाएं लिख रही हैं उनकी प्राथमिकता में कहीं ना कहीं स्त्री है, या उनके केंद्र में स्त्री है, या उनके प्रयासों में आपको कहीं स्त्री नजर आती?
जो स्त्रियां लिख रही है क्या वो स्त्री को अपना विषय बनाती हैं, अपनी नायिका बनाती हैं, अपनी कहानी के केंद्र में कहीं लाती है, या कहीं उनकी प्राथमिकता में वो है या नहीं? देखिए, शुरुआत यहीं से की जाए, पहला वाक्य मैं भी कहना चाहूंगी कि हाँ, नया सृजन, जैसे दोनों मेरे साथियों ने कहा कि सचमुच एक नए तरह का आस्वाद हिंदी साहित्य में पैदा किया जा रहा है, और इसे पैदा करने वाली स्त्रियां, अगर आंकड़े देख लिए जाए तो आज हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा कहानियां, कविताएं लिखने वाली तादाद में औरतें हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब औरतें किसी चीज को इनिशिएट करेंगी, लिखना शुरू करेंगी, दर्ज करना शुरू करेंगी, तो उनके केंद्र में सबसे पहले स्त्री आएगी। क्योंकि अपनी बात, कोई भी जो आदमी वंचित है, बहुत सालों से शोषित है, बहुत सालों से दमन का शिकार है, जब उसको पहली बार अपनी आवाज में बात करने का मौका मिलता है तो वो सबसे पहले अपने से ही शुरुआत करता है, अपने समुदाय से, अपने वर्ग से, अपनी चेतना से, वहां से शुरुआत होती है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि अल्टीमेट गोल एक लेखक का यही होता है कि वह मानवता की बात कर सके, वह उसे सिर्फ एक स्त्री के खांचे में, जैसा कौशिक ने कहा कि सीमित न करके देखा जाए, वही सबसे बड़ा आग्रह है जो एक लेखिका भी चाहती है। लेकिन शुरुआत में जरूर केंद्र में स्त्रियां हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सालों से उनका ड्यू नहीं मिला, जैसे समाज के बहुत सारे वर्गों को उनका ड्यू नहीं मिला, और वो बात अपनी बहुत, कई लोगों को ये बात बहुत रोष भरी लगती है कि स्त्रियां ऐसे भाषा में कैसे बात कर रही हैं। लेकिन स्थितियां तो बदल गई है ना, नए नए चैलेंजेस अगर समाज के सामने आए हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि समाज में समाज का फाइनेंशियल बदल गया, इकोनॉमिक्स बदल गया, तो जाहिर सी बात है वो स्त्रियों पे भी लागू होगा। जब हम कहते हैं सामाजिक संरचना बदल गई, वो स्त्रियों पे भी लागू होगी। जब वो कह रही है कि आकांक्षाएं बदल गई हैं, अब वो नेचुरली वो स्त्री दर्ज करेगी कि भाई अब मुझे नहीं चाहिए। इसे आप प्रोटेस्ट कह सकते हैं, क्रांति कह सकते हैं, या अगर आप बहुत सहज हो जाएं इन स्थितियों से तो आप इसे कह सकते हैं ये एक दूसरी आवाज है, जैसे पुरुषों की एक आवाज है, उसी तरह की सहभागिता की ये एक आवाज है। लेकिन उसके लिए अभी हमारे समाज को परिपक्व होने में टाइम लगेगा। ठीक है, एक सवाल ये कि समाज को परिपक्व होने में टाइम लगेगा, तो क्या आप लोग कितनी मदद कर रही हैं उसमें, उस समाज को परिपक्व बनाने के लिए? लेकिन जो बात वंदना जी ने कही, अंकना जी, क्या हम इस बात को इस तरह से देख सकते हैं कि हम ये बढ़ा करते थे, ये सुना करते थे कि अबला तेरी यही कहानी, अब क्या ये सेंटेंस, ये वाक्य खत्म हो चुका है, अब सबला हो चुकी है, सशक्तिकरण हो चुका है, शक्तिशाली न सिर्फ स्त्री हो चुकी है बल्कि उसके किरदार भी हो चुके? देखिए, अंतर तो बहुत आया है, और लेकिन फिर भी जो ये अबला तेरी यही कहानी, अबला वाली बात है, अभी भी एक बहुत बड़े भारतीय समाज का, मैं कहूँगी 90% भारतीय समाज का सच अभी भी वही है। मतलब एक तरफ तो आर्थिक आत्मनिर्भरता की दर बढ़ी है, लड़कियां पढ़ी हैं, पढ़ करके नौकरियों में गई हैं, और वहां भी ये हुआ है छोटे शहरों, कस्बों में, गांव में, कि अभी भी अपनी तनख्वाह का हिसाब पति को या घर के मुखिया को देना है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से खर्चा करते रहें, अपनी मर्जी से आप संपत्ति खरीद लें। मैं देख रही थी कि नाओमी वूल जो अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने एक सर्वे के आधार पर ये कहा कि पूरे विश्व की संपत्ति का सिर्फ 1% मालिकाना हक स्त्रियों के पास, पूरे विश्व की सिर्फ 1%। तो इसका मतलब कि अभी भी संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं हुआ है, अभी भी आप सबल स्थिति में उस तरह से नहीं है। और बहुत हमारे यहाँ एक छोटा वर्ग आ रहा है जो बड़े पदों पर पहुंच रहा है, बहुत जुझारू बनने के साथ पहुंच रहा है, बहुत अपनी काबिलियत के साथ पहुंच रहा है, लेकिन वो बहुत छोटा है, बहुत कम है उसका परसेंटेज। अगर हम देखें, बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी भी उन्हीं सारी चीजों के साथ संघर्ष कर रहा है। कारण क्या है कि मानसिकता नहीं बदली, चीजें तो जो मैंने शुरू में ही कहा कि पुरानी परिस्थितियां बनी रही और नई चीजें आ गई, तो परेशानी क्या हुई कि आपको पुरानी चीजों से भी लड़ना है, आपको नई चीजों से भी लड़ना है, आपको एक साथ दोहरे तरीके से लड़ना है। और मैं कहूँ कि अभी ये केवल हमारे ही समाज, पूरी दुनिया में ये बात हो रही है। मतलब एक आंकड़ा जो दिया नाओमी वुल्फ ने कि अमेरिका में जो कामकाजी स्त्रियों का दर है वो 55% से ज्यादा है,
और इसके बावजूद वहां पर जो पति हैं या उनके जो पार्टनर जिसको हम कहते हैं पार्टनर, पार्टनर भी अंततः वहीं पहुंच जाता है। मतलब कहीं पार्टनर से हम जो उम्मीद करते हैं कि वो उस तरह का नहीं हो, वो बहुत ही हमारे साथ बहुत सहभागी भूमिका में आए, बहुत दोस्त मित्र की तरह हो, लेकिन अंत में वो वहां पहुंच जाता है। वो कहती हैं कि जो घरेलू स्त्रियां हैं नौकरी नहीं करती, उनके पति फिर भी उससे ज्यादा उनकी मदद कर देते हैं। जो कामकाजी स्त्रियां हैं उनके प्रति प्रति हफ्ते 36 मिनट सिर्फ उनका उनकी मदद करते हैं घरेलू कामकाज में। अब ये दोस्त पढ़ करके मेरा तो दिमाग है, अरे अमेरिका में अगर ये हाल है तो हम क्या रो रहे हैं। इसी में मुझे याद आ रहा है जैसे सरकार भी कोशिश कर रही है सबलीकरण के बहुत, तो पद की भी बात जहां तक आती है, जैसे सरपंच, तो आप गाँव में घूम जाएंगे तो सरपंच पति इम्पोर्टेंट ज्यादा है। अगर डिसीजन मेकिंग करना है तो सरपंच पति, लोग कहते हैं एसपी से पूछो, मैंने खुद ये चीज अनुभव तो है, एसपी से पूछो बना देंगे हाँ। लेकिन दरअसल निर्णय लेने का अधिकार नहीं देंगे शुरू होती। और आपसे बताऊं कि अब तो जो मीडिया में एक ऐड आ रहा है कि पत्नी घर पर काम ऑफिस में बहुत ही अच्छे से काम करे, बॉस भी है और पति को वो मैसेज करती है कि घर इतने बजे, उसको काम भी दे देती है और कहती घर इतने बजे, और वो घर जब पहुंच वो कहता है काम नहीं होगा, कैसे खत्म होगा काम, नहीं घर घर पहुंचना है तो उसने पूरा खाना बनाकर लगा दिया है। कमाल की बात है कि एक साथ दोनों काम आपको करने हैं और उस तरह से करने हैं जैसे कि दिखाया जा रहा है, मतलब बहुत नहीं, मोहब्बत का ये एक वो बताया गया है। तो ये जो है मोहब्बत तो उसमें क्या ही होगी, लेकिन ये है कि काम के बंटवारे में यह अमानवीय स्थिति, यह श्रम का जो विभाजन है वो पुराने तरीके से ही बना हुआ है और नई चीजें बदल गई है। नौकरी भी करनी है, दवा भी लाना है। कल्पना मिश्र जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, आपने तो अपनी ही यूनिवर्सिटी में देखा है जो टीचर 1.5 लाख के आसपास तनख्वाह पाती है, उनका एटीएम उनके पतियों के पास होता है। छोड़ कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए अभी मैं एकदम अपना ही एग्जाम्पल बताती हूँ कि आज महिलाएं, मैं माफ कीजिएगा आप मेरे से दोनों बड़ी हैं, आपका अनुभव भी रहा है, हम लोग थोड़े से मैं यंग थोड़ा सा मान सकती हूँ आप लोगों से, हम लोग कपड़ों में पहनावे में थिएटर में जाने में बाहर घूमने में मुझे लगता है इनमें एडवांस हुए हैं। आपने कहा क्या बदलाव में आपको ज्यादा ग्रस्त लिया है। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की जो आधुनिक लड़की है या स्त्री है वो पहनावे में बोल चाल में या बाहर आने जाने में तो आधुनिक है, लेकिन जब ठोस निर्णय की बात आती है तब वो एकदम खुद भी ट्रेडिशन वही होती है और समाज उसको कहीं भी इस तरीके की इजाजत नहीं देगा। आपकी बात जो आपने कही बिल्कुल सही अगला दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे, अभी पिछले दिनों मेरे मदर की डेथ हुई, मैं हरियाणा के अक्षेत्र से आती हूँ गाँव से, तो पूरा गाँव खासकर मतलब हमारे यहाँ आज भी शमशान में स्त्रियां नहीं जाती, और ये ना सिर्फ पुरुषों ने बनाया हुआ बल्कि हम स्त्रियों ने भी खुद अपनाया हुआ। मैं ये बिल्कुल शिद्दत से स्वीकार करती हूँ कि हम सारा दोष सिर्फ पुरुषों को दें, मुझे थोड़ी सी इसमें बेईमानी लगती है, क्योंकि हम भी बहुत स्वार्थी होते हैं उस प्रेम को पाने के लिए, उस पति वाली मोहब्बत को पाने के लिए, पिता वाली में पाने के लिए, मतलब हम भी कई बार डिसीजन लेते हुए कहीं ना कहीं उस सामाजिक दबाव में होते। मैं कहना ये चाहती थी कि हमारे गाँव में आज भी शमशान में नहीं जाने दिया जाता लड़की, लेकिन मैंने जब अपने भाइयों के साथ मुखाग्नि दी मेरी माँ को, अभी दिवाली वाले दिन मेरी माँ की डेथ हुई थी, तो पढ़ा लिखा जो मेरे साथ था, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे गांव में उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया कि लड़कियां तो जाती नहीं है, जो जिस भी चीज को मैं हाथ लगाऊं उसी को वो कह दे कि नहीं नहीं आपको नहीं लेना, आपके भाई को इस पे हाथ लगाना। लेकिन मेरे भाई और मैं हम साथ में थी, हमने मैंने खुद मुखाग्नि दी। मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम सारी चीजों में आधुनिक हुए हैं, लेकिन जब डिसीजन की बात आती है, जहाँ आपका एक गढ़ बहता हुआ नजर आता है, वहां आप बहुत स्क्योर बहुत वैसी वाली मुद्रा में होते हैं कि आप बचाव वाली मुद्रा में, या लोग ये ना कहते कि लड़की ने ये किया ये वो किया, एक्सेप्टेंस अलग तरह की है। आधुनिकता का जो कंसेप्ट है हमारा बड़ा विचित्र सा है। आप देखिए अभी पिछले दिनों हसीनाबाद नाटक आया, उपन्यास आया गीताश्री का, हमारे यूनिवर्सिटी में हम कॉलेज में ऐसे ही बैठे हुए थे तो टाइटल से ही लगता है हसीनाबाद, मतलब ऐसा लगता होगा कि दिल्ली का रेड लाइट एरिया होगा। तो इस पे जब चर्चा हुई
तो मैंने तपाक से ये कहा कि ये तो बिल्कुल राजनीतिक आधारित नाटक उपन्यास है, मैं इसको सामाजिक उपन्यास भी नहीं मान रही, मैं इसको ये मान रही हूँ कि एक लेखिका बिल्कुल जो पात्र जो घटती है वो राजनीति परक नाटक उपन्यास है। आप उसको पूरी लेयर्स को पढ़ते जाइए, आपको समझ आएगा कि एक लेखिका तुरंत उनका तपाक से, ये बहुत बड़े हिंदी के न सिर्फ लेखक बल्कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर की टिप्पणी थी कि नहीं नहीं महिलाएं कहाँ अभी तक राजनीति पर क्वेश्चन यहाँ पर होंगी कि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो या कितना भी बड़ा कितने भी बड़े पद पर हो, अगर मानसिकता वही रहेगी, अगर सोच का बदलाव नहीं हुआ तो फिर वो कुछ भी पढ़ करके कितना भी बड़ा बन जाए। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी पत्रकारिता के भी जी कहीं ऐसा नहीं, आप तीनों से भी और यहाँ भी बहुत सारे साहित्यकार बैठे हैं हमारे देश में, कहीं हम या आप जिन पर जिम्मेदारी है जो आप लेखिकाएं हैं, कहीं आप अपने आप से बेईमानी तो नहीं कर रही, कहीं आप अपने आप से धोखा तो नहीं कर रही कि लिखती कुछ और है, समाज कुछ और है, खुद कुछ और है। मैं तो बिल्कुल बेईमानी नहीं करती हूँ, जो बोलती हूँ जो लिखती हूँ बिल्कुल उसको, जो मुझे जानते हैं मैं बचपन से बहुत क्रांतिकारी किस्म की रही हूँ और किसी भी चीज को मेरा मानना है अगर बदलाव लाना है तो आपको सवाल उठाने होंगे किसी भी क्षेत्र में आप हो। तो सबसे पहले मैंने अपने घर से ही सवाल उठाने शुरू किए, मैं भी एक पारंपरिक घर की ही मध्यम वर्ग की ही पली हुई लड़की थी, लेकिन बचपन से मैंने जितने रीति रिवाज और इन सी चीजों को के पीछे मैंने पेट्रियार्की ही देखी, मैंने कहीं नहीं देखा कि वहां पर स्त्री का दर्जा बराबर था पुरुष के, सारे पूजा पाठ के विधि विधान सारी चीजों को लेकर। लेकिन उत्सव पसंद था और आज भी पसंद है, तो उत्सव में शामिल होना अलग बात है, लेकिन इस क्लैरिटी और इस रैशनैलिटी के साथ कि जो मैं कर रही हूँ उसका इम्पैक्ट मेरे लिखे हुए का, मेरे पढ़े हुए का, मेरे बोले हुए का, मेरे आचरण का, मेरे समाज पर और मेरी जितनी बहनें, जितनी मैं, जो हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सिस्टरहुड, मैं उसमें बहुत भारी यकीन करती हूँ। और एक बात ये भी मैं मानती हूँ कि मैं बिल्कुल इस मामले में बहुत ईमानदार हूँ कि जो अगर मैं कह रही हूँ कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है। कुशल ने अभी एक बहुत अच्छी बात बताई कि उसने अपने माँ के उसमें किया था, मैंने भी, अनफॉर्चुनेटली मेरे भी पेरेंट्स नहीं है, लेकिन मैंने भी बहुत सारे ऐसी सामाजिक मान्यताओं को उसी वक्त बता बताई और कहा, उससे फर्क पड़ा, उससे फर्क ये पड़ा कि घर में जो बाकी महिलाएं आई, बाकी रिश्तेदार आए, तो उन्हें एक बहुत बड़ा रोल मॉडल मैं हो सकता है नहीं बनी हूं, लेकिन सबने कहा कि अरे ये भी तो वैसे ही जीती रही और इसके जीवन में कुछ भी खराब नहीं आया, क्योंकि रीति रिवाज और इन सब बंधनों का नतीजा क्या होता है, मन में भय और संशय, और औरतों को हमेशा भय भी, मतलब इतना ज्यादा भयातुर बना दिया जाता है कि अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, मतलब अगर ये नहीं आप व्रत करोगे तो आपका पति मर जाएगा, बच्चों के लिए नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो बहुत बचपन में मैंने सवाल उठाया था कि हम तो बहुत छोटी सी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा विश्व तो उन चीजों को नहीं मानता है, लेकिन सब उम्र बहुत उम्र दराज जीवन सबका होता है, सब बहुत लंबा जीवन जीते हैं, सब बहुत खुशहाल होते हैं। तो ये बहुत पर्सनल आस्था की चीजें होती हैं, रीति रिवाज हो चाहे ये हो, उनको मेरा मानना है और मैं हमेशा इसके खिलाफ लिखती रही हूँ कि आप उसको जब तक अपने घर के अंदर रखिए तब तक ठीक है, जैसे ही वो जीवन पर मंडराने लगता है तो वो आपके जीवन को पीछे ले जाता है, इसमें बेईमानी नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन यही बात देखिए, अब हमारी चर्चा दो दिशा में चलेगी, एक तो ये है कि आपका आचरण क्या हो, आपका आहार व्यवहार क्या हो, आप किस तरह से अपनी निजी जिंदगी में पेश आती है, पहली बात, और आप किस तरह से क्रांति करती है, कुशल ने कहा, आपने कहा, दोनों। लेकिन अब सवाल आपसे ये है यहाँ पर, जो आप लिखती हैं, जो आपकी कहानियों में, कविताओं में, उपन्यास में कल्पना जी अगर लिखा जाता है तो क्या वो परिलक्षित करता है वो स्त्री जीवन में, या सिर्फ वो किताबी बातें रह जाती हैं और यहाँ पर कुछ और चलता है? नहीं, देखिए ये मुझे आप सहमत नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सहमत। आप सहमत नहीं कि तो आप जरूर जवाब दीजिए। मैं ये बात कह रही हूँ कि पहली बात तो मुझे ये कहनी थी जो क्वेश्चन ने शुरू में कहा कि पुरुष जो है वो स्त्री खुद मानती है और खुद वो स्वीकार कर लेती है और डर जाती है, पीछे खुद बैक फुट पर आती है,
तो उसके पीछे तो डर और कंडीशनिंग है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो आगे आकर के इस तरह की क्रांति करेगी तो हमेशा उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसका अंजाम क्या होगा। और अभी हमारे यहाँ खाप पंचायतें वगैरह सब कुछ अभी चल रही है, और हरियाणा में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ तक कि अब ये स्थिति आने लगी है कि लोग शादी करने से बचने लगे हैं, लड़कियां इनकार करने लगी कि भाई शादी नहीं करना है, बाकी तो ठीक है। तो ये यहाँ सब चीजें जा रही है। और दूसरी चीज जो है, मुझे बहुत खुशी हुई कि वंदना जी अगर ये कह रही है कि वंदना की वो ईमानदारी से ली है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन क्या जो प्रश्न आपने पूछा था कि क्या लिखा जा रहा है ईमानदारी से या नहीं, तो असली बात तो ये है कि ईमानदारी से नहीं लिखा जा रहा है, दो मत बहुत ईमानदारी से लिखा जा रहा है। तो व्यक्तिगत रूप से कोई ईमानदारी से लिख सकता है, कोई एक दो चार लोग लिख सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं ईमानदारी से लिखती हूँ, या कौशल कहें कि वो ईमानदारी से लिखती है, लेकिन नहीं नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो अभी हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे होते कि व्यवहार कुछ और सिद्धांत कुछ और, इस जगह हम नहीं पहुंचे होते। यहाँ तक कि नकली आत्मकथाएं ये तैयार की जा रही है, बहुत कम लोग सच बोलने की हिम्मत में आ पा रहे हैं। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं और हम डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि हिम्मत कर रहे हैं, सामने स्त्रियों की बात है। तो आत्मकथाएं अगर जिस भाषा में नकली आना शुरू हो जाए, स्त्रियों की अल्पना, स्त्रियों की आप तो, पुरुषों की बात कर रही हैं या स्त्रियां बेईमानी का लेखन? मैं स्त्रियों की बात कर रही हूँ, पुरुष तो लिखते रहे, उनकी तो पूरी दुनिया रही ही है। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ये दुनिया उनकी रही है, वो लिखते रहे, स्त्रियों ने बाद में लिखना शुरू किया है। और आत्मकथा तो और भी बात की बात है, तो उसमें कुछ ही आत्मकथा है जो कि ठीक है, या जहाँ पर कुछ ही हिस्से में कह लूंगी जहाँ पर थोड़ी सच्चाई आती है। जैसे कि आप खुदरी में एक जगह बहुत भयानक बात आ जाती है कि रमणिका गुप्ता कह देती है कि नीलम संजीवा रेड्डी के साथ अपने संबंधों की, वो मतलब एक भयानक बात आ जाती है। तो इस तरह की कुछ चीजें सच आ जाती हैं, लेकिन सब जगह सच्चाई नहीं है, सब जगह ईमानदारी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारा संघर्ष जहां से हमने शुरू किया था, आज हम कहां से कहां पहुंच रहे होते, और आज हमें और कौशल को कितनी सारी बातें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और हम स्त्री मुद्दे पर वही बेसिक चीजों पर अभी नहीं लड़ रहे होते जहाँ एक पीढ़ी पहले लड़ाई की जा चुकी थी। मैं बिल्कुल ठीक है, मैं एक क्षमा आपको रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि सवाल जवाब भी करना है, समय भी खत्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो आगे बात क्या बात है। लेकिन देखिए, ललिता आफ्टर शास्त्री जी, ये संजय पति तिवारी जी की, तो ये भी एक स्त्री की कहानी है, और उसके भी चर्चा हम कर सकते हैं, आगे जरूर करेंगे। लेकिन क्योंकि कौशल जी ने जो बात अपने संबोधन में कही थी सबसे पहले, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं वो आप लोग क्षमा के साथ। क्या होता है आजकल कौशल जी, जो युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है, वो पढ़ी लिखी लड़की चाहती है सर, और कामकाजी चाहती, वर्किंग वाइफ चाहिए होगी, तो आप देखिएगा। लेकिन उसके पीछे आप बच्चियों को, बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर बैठी हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे उस लड़के की मंशा क्या है, वो चाहता क्या है, क्या वो वाकई ये चाहता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं रहें, क्या वो वाकई ये चाहता है कि आप पढ़ी लिखी वाइफ उसे मिले, क्या वो वाकई ये चाहता है कि कंधे से कंधा मिलाकर सर वो आपके साथ चले, वो क्या चाहता है। वो चाहता ये है, एक पुरुष होने के नाते हमें बता सकते हैं, हमारे बहुत से यार दोस्त हैं, उनकी मानसिकता ये होती है कि 30 लाख रुपए का घर खरीद लिया, 10 लाख रुपये की कार खरीद ली, 40 लाख रुपये इंस्टॉलमेंट हो गई है, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह है, 40 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट किश्त देनी है महीने में। तो अगर मैं कामकाजी, अगर मैं कमाऊ लड़की से शादी कर लेता हूँ तो वो घर चला लेगी, मैं इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, या वो इंस्टॉलमेंट दे देगी, मैं घर चला। प्लीज प्लीज इससे बचिए, ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों की। अगर कोई ये कहता है कि भाई आपकी मर्जी, जॉब करना है करिए, हाँ, पूछना भी नहीं है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, पूछना भी नहीं है कि आप कहाँ खर्च कर रही हैं, किस पे खर्च कर रही हैं, अपनी फैमिली, अपने माता पिता पर खर्च कर रही हैं, दोस्तों पे खर्च कर रही हैं, मूवी देख रही हैं, या साड़ी या सूट खरीद रही हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हम कैसे ये उम्मीद करें कि इस युवा पीढ़ी पर आपकी लेखनी का असर। एक संक्षेप में आप जवाब दीजिए, उसके बाद मंच आप कहां से शुरू करेंगे। पहली बात तो ये कि मैं अपने इन
युवा साथियों को उतना दोष नहीं दूंगी जितना कि इस सामाजिक संरचना के दबाव का दोष है, और जब जब वे इससे टकराते